हेल्प गोगी से मैं हूँ गोगी और आपकी यहाँ पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बात करने वाले हैं कोफ के वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल राउटर और क्या कहेंगे आप इसको सिम वाले राउटर के बारे में कि आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये डोंगल कुछ इस तरीके का होता है, केबल लगानी होती है पावर वाली, इसमें बैटरी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये राउटर है, इसके अंदर बैटरीज बिल्कुल नहीं होती, तो आपको पावर अप ही रखना पड़ेगा, हर टाइम चार्जिंग लगा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखोगे आप बहुत सारे ऑप्शन है, ये ब्रांडिंग दी गई है कोफ की और इसके अंदर कुछ खास अलग से रीसेट करने का ऑप्शन आप सोचोगे कि नहीं है तो, लेकिन देखिए दोस्तों आसान सी चीज़ है यार, रीसेट करना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। यहाँ पर आपको एक देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट का और आप इस बटन को कट कट कर सकते हो। देखो तो आपको इस बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है, दबाए रखिए कुछ सेकंड, ये लाइट सारी बंद हो जाएगी और फिर वापस से स्टार्ट होगी, सारी ब्लिंक होकर के दोबारा से स्टार्ट होगी। देखो बंद हो गई है ना, अब रीस्टार्ट हो रही, देखो लाइट रेड वाली आ गई, ब्लू वाली बंद है अभी भी। जैसे ही ब्लू वाली आ जाएगी मतलब आपकी डिवाइस रीसेट हो चुकी है। अब इसका पासवर्ड जो पहले था ना वाईफाई का 1 2 3 4 5 6 7 8 वही वाला पासवर्ड जो वो आपका वापस से आ जाएगा। तो ये था आसान सा तरीका आपके वाईफाई हॉटस्पॉट डोंगल को रीसेट करने का। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा लीजिए ताकि ऐसी गजब की वीडियोस और मिलती रहे।